हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमें A4 शीट पर आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही फेमस रामायण का सीन यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बॉर्डर ड्रॉ कर लिया है और बॉर्डर कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, इजी मैंने दिया है, फाइन लाइन से बनाया है। और इसके बाद अब हम जब यहाँ पे डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे तो जो हमारा जो पिक्चर है, जो सीन है, वो है शबरी के बेर। तो आप लोग बहुत अच्छे से इस कहानी को जानते भी होंगे, आपने देखा भी होगा रामायण में। तो यहाँ पर मैं शबरी जी बनाऊँगी, फिर राम बनाऊँगी, लक्ष्मण बनाऊँगी और उसके पीछे का सीनरी बनाऊँगी पूरा। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर शबरी जी को। तो शबरी जी को ड्रॉ करने के समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि उनके हाथ में हमें जिसमें उन्होंने बेर पकड़े हैं उस पात्र को भी ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो इसलिए हमारा जो हैंड का जो पोस्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा इस बार, तो उसको बहुत ध्यान से हमें बनाना है। और जैसे कि ये पिक्चर आप जानते ही हैं, इस स्टोरी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये बहुत ही फेमस स्टोरी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है शायद बताने की इस चीज़ के बारे में, सभी लोग अच्छे से जानते हैं। तो यही है। और इसमें बस हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, जैसे हमारी A4 शीट है तो हमारी जो पिक्चर है, जो हमारा फेस है और जो बॉडी हम बनाएंगे, वो ऐसी होनी चाहिए कि पेज में दिखे भी और बहुत ज़्यादा ओवर भी ना लगे। मतलब जब हम इस पेंटिंग को देखें तो हमारे जो कहते हैं ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो बॉडी पर और उस पर पिक्चर पे लगे भी, लेकिन ऐसा भी ना लगे कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा दिखे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, तो इसी हिसाब से हमें बनाना है। और शबरी जी जो है यहाँ पे जैसे कि बैठी हुई हैं और उनके हाथ में ये मैं बेर का जो पात्र है वो बना रही हूँ, तो इसलिए शबरी जी को मैंने यहाँ छोटा बनाया है। और राम जी थोड़ा ऊपर बैठे हैं तो उनको थोड़ा ऊपर बैठे हुए हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज़ इमेजिनेशन को अपनी यूज़ करके बना सकते हैं और ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मुझसे कहा था कि रामनवमी के दिन आप श्री राम का कोई मधुबनी पेंटिंग देखना चाहते हैं, तो इसीलिए मैंने ये ड्रॉ किया है और आई होप आपको ये पसंद भी आएगा। तो अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं ऐसी वीडियोज़, ऐसी क्लासिक मधुबनी पेंटिंग्स की वीडियो मैं लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही ब्यूटीफुल और क्लासिक मधुबनी पेंटिंग देखने के लिए और बिल्कुल स्टेप से, बिल्कुल बेसिक स्टेप से सीखने के लिए। और जल्दी से आइए इसके डिज़ाइन को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद हम जो है इसमें कलरिंग करेंगे। तो आइए जल्दी से इसको बना लेते हैं। सो अब यहाँ पे हमारी जो शबरी जी थी वो तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब हमें श्री राम जी को बनाना है। श्री राम हमें इस तरीके से बनाने हैं कि वो किसी पत्थर पे या उस पे बैठे हुए हैं और बेर खा रहे हैं, तो उन वहाँ पर भी हमें हैंड के पोस्चर्स को बहुत ध्यान से बनाना है और एक उनके जो फेस पे है थोड़ी मैच्योरिटी और एक सुंदरता भी हमें लेकर आनी है। तो ये चीज़ है, थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हम इनको भी कंप्लीट यहाँ पर कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, आभूषण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा उनको आभूषण नहीं पहनाएंगे, सिर्फ रुद्राक्ष के आभूषण बनाएंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये उस समय का सीन है जब श्री राम वनवास पर थे और माता सीता को ढूंढने के लिए निकल जा रहे थे, ढूंढ रहे थे, तो ये तब का सीन है। इसलिए मैंने इनके जो सर के ऊपर भी ये बनाया है वो इसीलिए इस तरीके से पूरा उनको वही लुक देने की कोशिश की है जो वो वनवास के टाइम पर थे।
थोड़ा सा इस डिज़ाइन को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैंने इसमें कचनी वर्क भी किया है। जो ये मैं कर रही हूँ उसको कचनी वर्क बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको काफ़ी सारी पेंटिंग्स में दिखाया है। तो ये कचनी वर्क है। कचनी वर्क से क्या होता है कि एक अलग ही लुक निकल के आता है चीज़ों का, और पता चलता है कि हाँ ये मधुबनी मिथिला पेंटिंग है। तो आइए इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। अब हमारे श्री राम तो यहाँ पर कंप्लीट बन गए हैं, लेकिन अब हम यहाँ पीछे बनाएंगे लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी को हमने उनके पीछे खड़ा किया है, तो इसलिए, और वो थोड़ा सा पीछे हैं, तो इसलिए हम लक्ष्मण जी की पिक्चर को थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, बिल्कुल बड़ा बड़ा नहीं बनाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उनका जो फेस है और बॉडी है वो सब छोटा छोटा इसलिए बनाया कि वो थोड़ा सा पीछे खड़े हैं। अब चूंकि ये एक वन का सीन है, तो यहाँ पर पेड़, मोर और इस तरीके की चीज़ें जो हमें बनानी पड़, मतलब बनाएंगे हम, और इसमें मैंने इसलिए यहाँ पर ट्री ड्रॉ किया है, और इसके बाद यहाँ पे मैं पिकॉक विकॉक ये सब ड्रॉ करूँगी। इसके बाद यहाँ पे हम शबरी जी का जो कुटिया है वो भी बनाएंगे, कुटिया इसलिए बनाएंगे। और एक और चीज़, ख़ास चीज़ है जो कि आप अभी कभी रामायण में अगर इस स्टोरी को देखेंगे तब देखेंगे कि जो शबरी जी थी वो डेली अपने कुटिया के बाहर जो उनका रास्ता था वो डेली वहाँ पर फूल बिछाती थी कि आज प्रभु श्री राम आएंगे। तो इसलिए कि इस वो डेली उनकी प्रतीक्षा करती थी, डेली उनका वेट करती थी फूल बिछाकर। तो वो चीज़ भी मैंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, उनके पूरे यहाँ पर जो एरिया है इस कुटिया के बाहर का, वहाँ पे मैंने फूल दिखाए हैं। और यहाँ पर इस पिक्चर की खूबसूरती और इस सीन की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैं बना देती हूँ पिकॉक, जो कि इस कुटिया के ऊपर बैठा हुआ है, और उसके जो पंख है वो नीचे इस तरीके से लहर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही क्लासिक लगता है। और ये पेंटिंग अगर आप बड़ी शीट पर बनाएंगे ना तो ये बेहद सुंदर लगेगी। अभी ये छोटी पे मैंने इसलिए बनाकर आप दिखा रही हूँ क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, छोटी पेपर पे नहीं बना पाते हैं बड़े पिक्चर को, तो इसलिए उनके लिए मैंने यहाँ पे छोटे A4 शीट पे ये शेयर किया है। Thank you.
और पहले हम इस तरीके से फ्लावर ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पर भी मैं एक बर्ड बना देती हूँ, वो भी बहुत सुंदर लगेगी क्योंकि हमें इस पिक्चर को पूरा भव्य रूप देना है और तो बहुत सुंदर लगा। वन का जो सीन है वो वन के सीन में तो ये सब चीज़ें होती ही हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम पेड़ भी बना देते हैं जल्दी से। अब ये पिक्चर यहाँ पर लगभग कंप्लीट हो गई है, तो जल्दी से इसकी कलरिंग देखेंगे। कलरिंग बहुत बेसिक कलरिंग है, बहुत सारी मतलब कोई टफ चीज़ नहीं है इसमें, नॉर्मल कलर्स मैंने यूज़ किए हैं इसलिए कलरिंग डिटेल में मैं नहीं शो कर रही हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर हमें इनको बिल्कुल जो जैसे ऋषि मुनि रहते हैं उस तरीके के कपड़े इनको दिखाए हैं और वही कलर मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। सो ऑलमोस्ट सारी कलरिंग हो गई है, लेकिन यहाँ पे भी ये जो हमारा जो जगह है वो रह गई है और जहाँ पे श्री राम जी बैठे हैं वहाँ रह गई है, तो वो भी जल्दी से कलरिंग कर लिया है। और यहाँ पे जो मैंने स्काई है, स्काई में जो स्काई ब्लू कलर किया है उसको और थोड़ा सा मतलब मधुबनी लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे कछनी डिज़ाइन डाला है और इसको मैं ब्लैक पेन की जेल पेन की हेल्प से कर रही हूँ। और फ्रेंड्स ये है फाइनल लुक, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और अगर आपको ये पिक्चर पसंद आई, ये सीन और ये पेंटिंग पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस पिक्चर को, इस सीन को किसी बड़ी शीट पे बनाते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।